और इसी सीजन के लिए नहीं, आने वाले वर्ष प्रतिवर्ष जैसे मानसून होगी, जुलाई के बाद हमें अपनी डेंगू की तैयारियां शुरू करनी होंगी, तो हर कोई अगर जिम्मेवारी लेता है कि हमारे आगे पीछे मच्छर ना हो और पैदा होने ही ना दे, डेंगू मुक्त होने से पहले हमें मच्छर मुक्त होना पड़ेगा। तो यही मेरी आप सबको सलाह है कि आप अपना जो व्यक्तिगत योगदान है आज से ही शुरू कर दें। मेरे साथ हमारे मेरे सिर एक और कलीग हैं, डॉक्टर राजीव गुप्ता, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन है। ये हर प्रकार की बीमारी की के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे जानकारी रखते हैं। मैं इनको प्रार्थना करती हूँ कि ये भी आपको थोड़ी जागरूकता दें। जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स जो हैं डेंगू के कवर कर दिए हैं उन्होंने ब्रॉडली, लेकिन मैं कुछ दो चार चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि जो आपके माध्यम से जिन लोगों तक ये मैसेज जा रहा है, एक तो वो जो वाटर जो स्टेगनेंट जहाँ पे टायर्स पड़े हैं या कोकोनट शेल्स या छत पे, जैसा कि मैम ने कहा ब्रोकन टिन्स वगैरह पे आर्टिफिशियल कलेक्शंस में स्टेगनेंट वाटर हो जाता है, तो वो जो है एडीज एजिप्टाई के लिए बड़ा अच्छा ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है। तो हमें जो है अगर उस साइकिल को ब्रेक करना है कि वो पनपे ना, उसके एग्स लार्वे और पूरा एडल्ट मॉस्किटो नहीं बने, तो उसको हमें वीकली इसको एवरी संडे या एक दिन फिक्स करके उन कंटेनर्स को पूरी तरह ड्राई करना है, चाहे कूलर्स हों चाहे कहीं भी हों, किसी जगह का भी वाटर है उसको पूरा ड्राई करना है। तो एक वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि वो अपने आप को जो पूरी बाजू वाली शर्ट और पूरी पैंट भी जो है पैंट पहने, निकरे नहीं पहने इस सीज़न में, क्योंकि ये जो मच्छर एडीज चढ़ता है इसकी प्रेडिलेक्शन है एंकल्स में और एल्बोज में ये ज़्यादा काटता है। जैसा कि मैम ने कहा, आपसे शेयर किया कि सुबह के टाइम और शाम को डान और डस्क के टाइम इसका टिपिकल ये जो है डे बाइटर है फीमेल्स और काटता है। ये एडीज एजिप्टाई का जो फीमेल एडीज एजिप्टाई का है वो ज़्यादा करता है इसको डिजीज़ को ट्रांसमिट। तो डेंगू में वैसे तो कुछ पेशेंट तो ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, मे बी 70-80% अपने आप ही मैनिफेस्ट ही ना करें सिम्टम, लेकिन कुछ परसेंट जो है जिनमें कोमॉर्बिडिटी प्रेजेंट हो या इम्यून स्टेटस कम हो, तो वो पेशेंट जो है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है जैसा कि हम देख रहे हैं। तो उनके लिए यही संदेश है कि अगर कोई भी डेंगू के साइन एंड सिम्टम है, जैसे बुखार है, लिथार्जी है या आंख के पीछे पेन जिसको रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं, तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे